रिसेंट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल 8 नंबर का आया है। रिक्वायरमेंट है इसकी कि आपने तमाम इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक और जिसके मुताबिक रूल्स हैं, आपने जो अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल है वो बतानी है, जो अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स रिफंडेबल है टू केटी वो बतानी है, इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगर कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है वो आपने बताना है फॉर द पीरियड फरवरी 2022 के लिए, ये आपने सारा कुछ कैलकुलेट करना है। और साथ उसने कहा है कि शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्प्शंस एक्सक्लूजंस एंड डिसअलाउंसेस, ये सब कुछ आपने क्या करना है, साथ शो भी करना है। रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं कि दैट अ काज़मीर ट्रेडर इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, KT is engaged in the business of manufacturing and supply of paper products. Paper products की manufacturing कर रहा है और इसकी क्या कर रहा है, supply कर रहा है। Following information is available from KT's record for the month February. उसके फेब की मंथ की ये उसने हमें कुछ information जो है वो provide की है। Purchases हैं taxable goods from registered person. 20% of these purchases were returned to supplier. 320 किस्त परचेजेस की हैं और इसका 20% जो है वो उसने वापस कर दिया है, परचेजेस रिटर्न है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 32 मिलियन की है। एग्जाम गुड्स उसने ली है रजिस्टर्ड पर्सन से 56 मिलियन की। इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स, कुछ उसने बिजली का और कुछ उसने उसका सामान लिया है, इसमें से 60% जो है वो फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है और 40% जो है वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है। फिर प्लांट एंड मशीनरी ली है 84 मिलियन की, इसके ऊपर हम क्या लेंगे, इसके ऊपर हम सेपरेटली उसका इनपुट टैक्स ले रहे होंगे। फिर सप्लायर्स में चलते हैं, 200 मिलियन की उसने सप्लायर्स की है रजिस्टर्ड पर्सन को और इसमें से 10% गुड्स जो है थी वो रिटर्न हो गई है। 200 मिलियन में से 10% गुड्स जो है वो इसकी रिटर्न हो गई है। ओके, एक्सपोर्ट्स इसने की है 98 मिलियन की, ये भी हम क्या ले लेंगे, एक्सपोर्ट्स पकड़ लेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन फरवरी 2022, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल इसने पे किया था फरवरी में, उसमें सेल्स टैक्स शामिल था 1.36 मिलियन का। 60% ऑफ द अमाउंट रिलेटेड टू फैक्ट्री, इसका जो 60% था उसका ताल्लुक जो है था वो फैक्ट्री के साथ था और जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो उसका ताल्लुक ऑफिस बिल्डिंग के साथ था। ऑल ऑफ द फिगर्स वर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्सेप्ट वेयर इट इज स्पेसिफाइड अदरवाइज, किसी भी अमाउंट में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है जहां भी उसने खुद ना बताया हो। और सेल्स टैक्स का रेट जो है वो हमारा कितना है, 17% है, ये हमारा सवाल है 8 नंबर का। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नाम है इसका काज़मीर ट्रेडर्स और इसमें से जो हमारा टैक्स पीरियड है वो है हमारा फरवरी 2022। हमने ये करना है इसका सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है हमने वो कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो इसके सेल्स टैक्स क्रेडिट्स बन रहे हैं, सेल्स टैक्स डेबिट जो बन रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स, और ये है हमारा इनपुट टैक्स। यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनेगा हमारा वैल्यू का, यहाँ पे आ रहेगा कॉलम रेट का, यहाँ पे आ रहेगा कॉलम अमाउंट का। ये 3 कॉलम जो हैं वो हमने यहाँ पर बनाए होंगे। अब परचेजेस की से इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम यहाँ पे पकड़ते हैं परचेजेस को और क्या करते हैं उसको फिर हम वन बाय वन यहाँ पे रख के सॉल्व करते जाते हैं। अब परचेजेस में सबसे पहले है जी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस है, हम ले लेते हैं टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अब उसने हमें बताया था कि 320 मिलियन की इसने गुड्स परचेज की हैं, 20% उसने गुड्स रिटर्न करनी है।
इसका हम ले लेंगे 80%, क्या जवाब आएगा? वो 56 मिलियन। इसके जो परचेजेस शुमार होंगे वो 256 मिलियन की है। रेट है हमारा 17%, उसके मुताबिक हम टैक्स निकाल लेंगे। ये बनेगा ये 43.52 मिलियन। और ये हम डाटा ले रहे हैं बेस इन मिलियन में। उसके बाद हमने ली है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप गुड्स परचेज करो, उससे आपको कोई इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते। बट हमें शो तो करना है, हम शो क्यों करेंगे? बिकॉज ने कहा जितने भी एग्जेम्पशंस हैं, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस है, वो आपने शो करने हैं। तो हमने इससे 32 मिलियन की ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स, इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद एग्जेम्प्ट गुड्स ली हैं आपने रजिस्टर्ड पर्सन से। अब एग्जेम्प्ट गुड्स के ऊपर भी कोई टैक्स होता नहीं है, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये हमने ली थी 56 मिलियन की, हम इसको पकड़ लेते हैं। इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद ये पॉइंट उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको, वैसे कि 60% बिल्डिंग में यूज हो रही है और 60% ऑफिस में यूज हो रही है। हमने क्लियरली पढ़ा हुआ था कि इनपुट टैक्स किन चीजों में अलाउ नहीं होता, वहां पे क्लियर लिखा हुआ था कोई भी इलेक्ट्रिकल या कोई भी इस तरह की अप्लायसेस जो है अगर आप लेते हैं बीइंग एन एंड कंज्यूमर, उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रिकल गुड्स ली गई हैं इससे कितने के लिए हैं? 17 मिलियन की। बेशक फैक्ट्री में क्यों इस्तेमाल की, बट ये बीइंग एन एंड कंज्यूमर ली होती है, इसके ऊपर हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, इसको तो हम कहाँ लेके चलेंगे? इसको हम सेपरेट लेके चल रहे होंगे, इसको हम अलग लेके चलेंगे। उसके बाद बिजली का बिल पे किया है और उसके ऊपर 1.36 मिलियन जो है वो उसने टैक्स पे किया है। बिल ले लेते हैं। बिल के ऊपर टैक्स पे किया है 1.36 मिलियन। तो आपको फॉर्मेट में बताया था कि बिल के ऊपर टैक्स की अमाउंट गिवन होती है, आप उसको एज इट इज पकड़े, आप उसको ले जाएं, आपके पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। और ये बनेगा आपके पास कितना, 43.53 + 1.36 = 44.88 मिलियन। ये है आपके पास 44.88 मिलियन। इसे आप कहते हैं इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड। ये आ गया। अब उसके बाद आपने ऐड करना है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स। इतना बना ये, दैट वाज 84 मिलियन। 17% टैक्स लिया आपने, 84 × ये बनेगा 14.28 मिलियन। आपका टोटल इनपुट टैक्स कितना आ रहेगा? 59.16 मिलियन। ये आपका टोटल इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड है। इज दैट क्लियर? हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक लेके चल रहे हैं और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है हमें। अब ये मैंने बताया था कि ये जो है आपने ये लेफ्ट पेज पे करना है। अगर लेफ्ट पेज पे करने के बाद जगह बच गई है, अमूमन जगह नहीं बची होगी, तब आप क्या चलेंगे? अब आप चलेंगे सेल्स टैक्स डेबिट्स के ऊपर, जो आपका आउटपुट टैक्स है। अच्छा, आप इसको आउटपुट टैक्स लिख सकते हैं, आप इसको सेल्स टैक्स डेबिट भी लिख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। अब हम चलेंगे आउटपुट टैक्स के ऊपर, बिल को पोस्टमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, सप्लाई जिसने की है 200 मिलियन की, वो ले लेते हैं। आउटपुट टैक्स में भी आपके तीन कॉलम ही आएंगे, कौन कौन से? वैल्यू, रेट और अमाउंट का। अब यहां पे आ जाए टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, 200 मिलियन की, 17% रेट, कितना टैक्स बनेगा? 34 मिलियन। उसके बाद हम लेंगे एक्सपोर्ट्स हमने की है 98 मिलियन की, रेट 0% है, अमाउंट 0 आ जाएगी। इसका हम सम कर लेंगे
और ये मेरी आ रहेगी जी टोटल सप्लाईज, ये होगा 298 मिलियन और टैक्स है मेरा 34 मिलियन, ये मेरा सेल्स टैक्स डेबिट आ गया। अब हमने यहाँ पे थर्ड जो रह गया दैट इज कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। यहाँ पे हम लेंगे अपना आउटपुट टैक्स, यहाँ पे आप एक ही कॉलम बनाएंगे, ये वाला दो भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। आउटपुट टैक्स हमारा कितना 34 मिलियन, फिर यहाँ पे आप लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न पे आपने कितने के रिटर्न की है, उसने कहा जी 10% आपने रिटर्न की है, इसका मतलब 20 मिलियन की रिटर्न हुई है। तो आप यहाँ पे ले लेंगे 20 मिलियन, 20 मिलियन का 17% लेंगे, ये आएगा आपका 3.4 मिलियन, ये आप यहाँ पे लेस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी नेट इनपुट टैक्स 30.6 मिलियन, नेट आउटपुट टैक्स। अब ये आ गया, इसमें से हमने लेस करवाना है इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। अब इसमें हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब ये तो मैं निकाल लूंगा फौरन, 30.6 मिलियन का मैं 90% लेके लिख लेता हूँ कितना है 27.54, ये हमने लिख लिया। इसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे और वो वर्किंग किसकी होगी, वो वर्किंग होगी हमारी अपोर्शनमेंट की, कि हमें कितना इनपुट टैक्स जो है वो अपोर्शन करना है। तो वो वर्किंग हम यहाँ भी मैं मतलब आप एंड पे बनाएंगे, जो मेरे पास तो जगह ही जगह, मैंने जगह बेच के लैपटॉप लिया था, हम यहाँ पे बना लेंगे अपोर्शनमेंट की वर्किंग। यहाँ पे हम ले लेंगे वैल्यू, यहाँ पर ले लेंगे हम कॉमन इनपुट टैक्स, यहाँ पर ले लेंगे हम फिक्स एसेट्स। अब यहाँ पे मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज हैं और यहाँ पे मेरे पास जीरो रेटेड सप्लाईज हैं। अब देखो जीरो रेटेड सप्लाईज है मेरे पास 98 मिलियन की, हम इसको पकड़ लेंगे एज इट इज। टैक्सेबल सप्लाईज मेरे पास 200 मिलियन की है, और रिमेम्बर नेट लेनी है, इस 200 मिलियन में से 20 लेस करके लेनी है। ये आपको बताया था कि आपने हमेशा जो है ये नेट सप्लाई लेनी होती है, भूलना नहीं है। तो ये 180 मिलियन की आपकी आ रही है, ये इसका सम कर लेंगे, ये बनेगा री 180 प्लस 98, ये बनेगा 278 मिलियन। अब आपके पास फिक्स एसेट का टैक्स है, आपके पास कॉमन इनपुट टैक्स है, ये फिगर्स निकाली हुई है 14.28 और 44.88, ये पकड़ लेते हैं 44.88 और ये आ जाएगी 14.28। अब इसे हम क्या करते हैं, इन्हें हम अपोर्शन कर लेते हैं इस बेसिस के ऊपर और देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है। अब 14.88 ये बनेगा जिसका 29.05, 29.05, रिमेनिंग आ जाएगा 15.83 और फिक्स एसेट्स का बनेगा 9.24, वो आ जाएगा 5.04, ये हमने निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद जिंदगी गुलजार हो गई है, मुझे पता है कि ये जो है ये रिफंड होने अगेंस्ट दिस, दिस विल बी द रिफंड, और ये जो है इसे हम क्लेम करेंगे। तो 29.05 आया है, इसको चुकते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं जी 29.05। अब हमने क्लेम करना है इसमें से लोअर, हमने अगर क्लेम करना है, हमने इसमें से लोअर जो अमाउंट है हमने वो क्लेम करनी है, तो हमारी कौन सी क्लेम होगी 27.54, तो हम यहाँ पे अब 27.54 यहाँ पे लेस करवा देंगे और इसके अलावा तो हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा आ जाएगा सेल्स टैक्स पेबल बिकॉज हमारे पास अनरजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है। अब 30.6 प्लस 3.06,
दिस विल बी द सेल्स टैक्स पेएबल जो मैं हुकूमत को पे करूंगा, ये मेरा पेएबल आ रहा है। एक मिनट, हम इस कैसे नहीं करेंगे, फिक्स एप्लीकेबल टैक्स तो है, ये आएगी हमारे पास सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, ये हमारी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, यानी अभी क्लेम करना जी, ये भूलना नहीं है, ये हम इसमें लेस करवाएंगे 9.24। अब ये लेस होने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा और वो होगा हमारा सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड ऑन फिक्स एसेट्स, के इतना फिक्स एसेट्स का सेल्स टैक्स जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 3.06 लेस 6.18। तो ये जो अमाउंट है ये हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगेंस्ट फिक्स एसेट्स, लैपटॉप भी फॉरवर्ड है। उसके बाद हम लेंगे सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड ऑन सप्लाइज, इसका डिफरेंस ले लेंगे, हमारे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स था 29.5 मिलियन, हमने कितना क्लेम किया 27.5 मिलियन, 29.05 लेस 27.54, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 29.05 लेस 27.54, 1.51 जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये दो अगेंस्ट फिक्स एसेट्स हमारा इतना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगेंस्ट नॉर्मल सप्लाइज हमारा इतना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे अपना सेल्स टैक्स रिफंडेबल, जो हमने रिफंड डिमांड करना है वो हम पकड़ लेंगे, और वो कितना था, इन दोनों का सम ले लें, रिफंड आ जाएगा 15.83 + 5.04, 20.87 का हमें क्या मिलेगा, हमें रिफंड मिल जाएगा। तो 20.87 इसका हम क्या क्लेम करेंगे, इसका हम रिफंड क्लेम कर रहे होंगे। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी और यही हमने कैलकुलेट करना था, जिसने हमें कहा था कि भाई साहब बताएं कितना पेएबल है कितना रिफंडेबल है और कोई कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो बताएं, वो हमने कैलकुलेट करके बता दिया।